गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई विश यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, आई एम सोनू शर्मा एंड टुडे इज़ अवर EVS क्लास. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 4, माई फैमिली. आज हम हमारी EVS की बुक का लेसन 4, माई फैमिली के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर्स. हमारा पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको पहले भी पिछले लेसन में भी समझाया था कि यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे उसके 3 ऑप्शंस होते हैं. ओके, 3 ऑप्शंस में से 1 जो ऑप्शन होता है वो राइट होता है, और उस राइट ऑप्शन के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उस पर आपको राइट का निशान लगाना होता है. ओके, तो यहाँ पे भी देखिए, आपको ये इन क्वेश्चंस के आगे साथ में ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ऑप्शन के अंदर 1 आंसर आपका राइट है और उसके आगे आपको टिक मार्क करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, माय फादर एंड मदर आर माय. मेरे पिता और माता मेरे हैं. क्या हैं? डॉटर्स, सन्स या पेरेंट्स. डॉटर मीन्स होता है बेटी, सन मीन्स होता है बेटा, और पेरेंट्स मीन्स होता है अभिभावक. तो हमारे माता पिता हमारे क्या होते हैं? बेटी तो हो नहीं सकते, बेटा भी नहीं हो सकते, तो क्या हो गए? हमारे पेरेंट्स. हमारे जो माता पिता होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हमारे पेरेंट्स. इसीलिए पेरेंट्स इज राइट आंसर. पेरेंट्स के आगे वाले बॉक्स में आपको राइट का निशान लगाना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. माई पेरेंट्स सन इज माई. माई पेरेंट्स मतलब आपके पेरेंट्स कौन हो गए? आपके माता पिता. और पेरेंट्स का सन, सन मतलब होता है बेटा, मतलब आपके माता पिता का जो बेटा है इज माय. मेरा क्या है? सिस्टर, ब्रदर या फिर डॉटर. सिस्टर मीन्स होता है बहन, यहाँ सन बोला है. सन का मतलब क्या होता है? बेटा. तो पेरेंट्स का जो बेटा हो गया, यानी आपका क्या लगा? वो ब्रदर. ओके, आंसर इज ब्रदर. ब्रदर के आगे आपको टिक मार्क लगाना है. क्वेश्चन नंबर 3. वी आर आवर पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स के हम क्या होते हैं? चिल्ड्रन, कजन्स या आंट. क्या होते हैं हम हमारे पेरेंट्स के? बच्चे होते हैं ना, तो यहाँ चिल्ड्रन इज राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज ए फैमिली. देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की फैमिली होती है. एक होती है स्मॉल फैमिली और एक होती है बिग फैमिली. ओके, तो देखो बच्चों, स्मॉल फैमिली जो होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 4 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, जिस वह परिवार जिसमें 4 मेंबर्स यानी 4 सदस्य होते हैं, वो कौन सी फैमिली होती है? आंसर इज स्मॉल. स्मॉल इज राइट आंसर. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2. ये देखिए, ये आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है. इसमें आपको ये बताना है कि टिक द पिक्चर्स दैट शो एंजॉयिंग विद फैमिली. आपको उस पिक्चर पे टिक मार्क करना है जो आपको ये शो करती है कि आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं. देखो यहाँ पे तो फाइटिंग हो रही है, तो फाइटिंग करते हुए तो आप एंजॉय कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हमने किया क्रॉस. ओके, अब यहाँ पे देखिए गेम्स चल रहे हैं, तो गेम्स जब हम खेलते हैं तो हम एंजॉयिंग करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने लगाया टिक मार्क. और इस क्वेश्चन में यहाँ पे फैमिली के साथ में हम बर्ड्स को देख रहे हैं. ओके, डक को देख रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे भी हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैंने टिक मार्क लगा दिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको, 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. इसमें से 1 इज़ करेक्ट एंड 1 इज़ रॉन्ग. अब ये बताना है आपको कि ये सेंटेंस है, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगी जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, करेक्ट है, उस पर आपको टिक मार्क करना है, और जो रॉन्ग है उस पर आपको क्रॉस मार्क करना है. ओके, फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली केयर फॉर वन अनदर. मतलब जो परिवार के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो एक दूसरे की केयर करते हैं. केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं. तो
राइट है ना ये वाला सेंटेंस आपका, तो यहाँ मैंने राइट मार्क किया. ओके. सेकंड, देयर आर मैनी मेंबर्स इन ए स्मॉल फैमिली. अब ये यहाँ बोल रहे हैं कि जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं. ये आप बताइए, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल फैमिली जो होती है उसमें 4 ही मेंबर्स होते हैं. इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है कि स्मॉल फैमिली में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग हो गया, इसीलिए यहाँ पे मैंने रॉन्ग लगाया. ओके. क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब है जो खाली जगह होती है उसको आपको फिल करना है, मीन्स भरना है उसमें. यहाँ देखो आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ना नीचे, केयर, सरनेम, फैमिली, पिक. ये जो 4 वर्ड्स हैं इनको आपको राइट प्लेस पे लिखना है. ओके. तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा वर्ड आएगा. तो यहाँ इन वर्ड्स के से आप लोगों को ये जो ब्लैंक स्पेस है आपका यहाँ पे आप उसको फील करना है. ओके. फर्स्ट इज आवर पेरेंट्स लव एंड टेक केयर. टेक केयर, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें प्यार करते हैं और हमारी केयर करते हैं, तो फर्स्ट में क्या आएगा? केयर. ओके. सेकंड इज अ डैश लीव्स टुगेदर इन ए हाउस. घर के अंदर एक दूसरे के साथ कौन रहती है? फैमिली. फैमिली का मतलब होता है परिवार. ओके. थर्ड इज अ फैमिली दैट हैज़ मैनी मेंबर्स इज ए डैश फैमिली. एक वह परिवार जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो फैमिली कौन सी फैमिली होती है? बिग फैमिली. ओके. ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शेयर से द सेम सरनेम. एक परिवार के सभी सदस्य एक जैसा क्या शेयर करते हैं? सरनेम. मैंने आपको समझाया था कि सरनेम का मतलब होता है लास्ट नेम, नाम के बाद में जो हम लगाते हैं वो होता है सरनेम. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने पढ़ा एक्सरसाइज ए, बी और सी. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, फादर, मदर, डॉटर एंड सन. यहाँ पे आप ये पिक्चर्स अगर पॉसिबल हो तो बना सकते हो, और इन पिक्चर्स के आगे आप लिख भी सकते हो कि ये कौन कौन है. ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज सफिशिएंट, वी विल मीट अगेन. ओके. हैव ए नाइस डे. ऑल द बेस्ट.